हेलो फ्रेंड्स, मैं एसेंशियल चंद्रा क्लासेस आनंद भवन से आज आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ। और आज हम लोगों की जो टॉपिक है, ज्योग्राफी में मर्रे का अवतलन सिद्धांत है। क्या है मर्रे का अवतलन सिद्धांत? और इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा परिचर्चा करेंगे कि अवतलन सिद्धांत क्या होता है और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना? उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम बताए थे, इसके पहले जो टॉपिक चली थी वह था डार्विन का। कौन सा सिद्धांत था? डार्विन का था, ठीक ना? तो डार्विन ने बताया था कि किस तरह से क्या होता है, ये जो मूंगा जीव होते हैं, मूंगा जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है कि नहीं, किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है, उसके बारे में इन्होंने क्या किया था, बहुत बढ़िया से चर्चा किया था। लेकिन आज हम उसी, ध्यान दीजिएगा, डार्विन के विरोध में मर्रे ने क्या है, अपना अवतलन सिद्धांत दिया। डार्विन के विरोध में मर्रे ने क्या किया, अपना अवतलन सिद्धांत दिया। जैसे ध्यान दीजिएगा, डार्विन ने बारी बारी से बताया था कि पहले क्या था, ये जो समतल स्थान था, समतल स्थान के चारों ओर क्या होता था, इस प्रकार की अवरोधक है कि नहीं, ये प्रवाल वृत्त की निर्माण होती थी। उसके बाद है ये तटी का, और उसके बाद यहाँ से एटाल का, फिर क्या बताया था इन्होंने, लैंगून झीलों के निर्माण के बारे में इन्होंने क्या किया था, चर्चा किया था। किसने किया था? डार्विन ने बताया था कि ये सारी चीजें थी, क्या थी, इन्होंने इसके बारे में चर्चा किया था। लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं उसी के विरोध में, मर्रे ने अपना अवतलन सिद्धांत दिया था। क्या दिया था मर्रे ने, अपना क्या दिया था, अवतलन सिद्धांत दिया था। तो अवतलन सिद्धांत के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अवतलन सिद्धांत का मतलब क्या होता है, पहले इसे समझिए। फिर अवतलन सिद्धांत का मतलब ये होता है कि ऐसा स्थान जिसका धीरे धीरे क्या अवतलन हो, अवतलन माने नीचे नीचे दबे, उसी को हम क्या कहते हैं, अवतलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतलन कहते हैं, समझिएगा। ठीक, तो मर्रे ने अपने अवतलन सिद्धांत में बताया कि ये जो, ध्यान दीजिएगा, सागर और स्थल, सागर और स्थल, ध्यान दीजिए, समझिएगा, सागर और स्थल को क्या किया था इन्होंने, स्थिर माना था। क्या माना था? स्थिर माना था। किसने माना था? ध्यान दिया, किसने? मर्रे ने माना था। इन्होंने कहा सागर और स्थल दोनों क्या है, स्थिर है। ठीक, और स्थिर के साथ साथ इन्होंने बताया कि ये जो मूंगा जीव होते हैं, मूंगा जीव, सुन रहे नहीं, इसके पहले मैं बताया था, तो जो मूंगा जीव होते हैं इनका जो, ध्यान दिए, 30 फैदम की गहराई पर, कितनी, 30 फैदम की गहराई पर क्या होता है, इनकी उत्पत्ति होती है। किसने बताया था? डार्विन ने बताया था, है कि नहीं? इन्होंने भी बताया कि 30 फैदम की गहराई पर क्या होता है, मूंगा जीवों की उत्पत्ति होती है कि नहीं? अब इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि यदि कोई स्थान, जैसे मान लीजिए क्या है, सागर है, क्या है ये, मान लीजिए सागर है, और सागर से लगा हुआ ये आपका है, ये स्थल है, समझ में नहीं, ये क्या है आपका, ये सागर है और ये आपका स्थल है, समझिएगा। तो इन्होंने कहा कि 30 फैदम की गहराई पर क्या होता है, मूंगा जीवों का निर्माण होता है, या मूंगा चट्टाने वहां पर क्या होती है, निर्मित होती हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि यदि कोई स्थान 30 फैदम की गहराई से नीचे है, 30 फैदम की गहराई से नीचे है, तो उस स्थिति में क्या होता है, निक्षेप की क्रिया के द्वारा, ठीक ना, निक्षेप की क्रिया के द्वारा वहां पर क्या होता है, पदार्थ आते हैं, जिससे समतल स्थान का क्या होता है, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ने लगती है, और जब ऊंचाई बढ़ जाती है और यह 30 फैदम की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, 30 फैदम की ऊंचाई क्या, उस स्थान ने क्या प्राप्त कर लिया, और उसके बाद वहीं से मूंगा जीवों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, समझ में आ नहीं? तो ध्यान दिए, ये तो हो गया क्या है, जैसे निक्षेप द्वारा अपरदनात्मक। और इन्होंने ये भी बताया कि जैसे मान लीजिए क्या आता है कि सागर में कोई चबूतरा होता है कि नहीं, और उसका समुद्र तल से जो गहराई होना चाहिए कितना होना चाहिए,
30 पैदा होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि यदि गहराई आवश्यकता ऊंचाई आवश्यकता से अधिक है तो उस स्थिति में क्या होता है, इसका इस स्थान का अपरदन होता है। और अपरदन होने के बाद ध्यान दिए कि जब यह 30 फैदम की ऊंचाई तक आ जाता है, मतलब यह जैसे मान लीजिए इधर क्या है, यह सागर है, क्या है सागर है, तो यहां स्थल से लेकर यहां तक यह कितना होना चाहिए, 30 फैदम होना चाहिए। समझ में आ गई। जब यह स्थान 30 फैदम तक आ जाता है तो उस दौरान आएगा कैसे, अपरदन क्रिया के द्वारा आएगा। जब अपरदन क्रिया के द्वारा यहां तक पहुंच जाता है तो तुरंत यहीं से मूंगा जीवों का क्या होता है, निर्माण शुरू हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। किसने बताया, मर्रे ने बताया। किसने बताया, मर्रे ने बताया। समझ में आया कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप किससे संबंधित है, मर्रे के अवतलन सिद्धांत से संबंधित है। समझ में आया कि नहीं। एक बार फिर चर्चा हो जाए, जैसे मर्रे ने बताया अपना अवतलन सिद्धांत दिया था, इस अवतलन सिद्धांत के द्वारा इन्होंने बताया कि यदि कोई स्थान 30 फैदम की ऊंचाई से क्या होता है, 30 फैदम से अधिक ऊंचा है या 30 फैदम से क्या बहुत गहरा है, इन्हीं दोनों स्थितियों ने क्या, इन्हीं दोनों स्थितियों में इन्होंने क्या है, अपने मैटर को समझाने का प्रयास किया। क्या बताया कि यदि कोई स्थान 30 फैदम से ऊंचा है तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थान का अपरदन होता है। अपरदन होने के बाद जब वहां से क्या होता है, यह 30 फैदम तक आ जाता है और उसके बाद और स्थिति क्या होती है, अनुकूल हो जाती है और वहीं से क्या होता है, मूंगा जीवों की उत्पत्ति या मूंगा चट्टानों का धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गई नहीं। उसी तरह से यहाँ पर निक्षेपण वाले में थोड़ा समझिएगा, यदि कोई स्थान 30 फैदम की गहराई से नीचा है, क्या नीचाई या बहुत ज्यादा डूबा हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर अपरदन क्रिया के बाद निक्षेपण होकर के उस स्थान पर चबूतरे पर जाता है और उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, वह ऊंचाई को प्राप्त करता है। और जब वह ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है और वह कितना कहाँ तक पहुंच जाता है, 30 फैदम तक पहुंच जाता है। और 30 फैदम तक पहुंचने के बाद ध्यान दीजिएगा, और वहीं से क्या होता है, प्रवाल जीवों की उत्पत्ति हो जाती है या प्रवाल जीव क्या कहते हैं, मूंगा चट्टानों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। समझ में आया नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें हो गई किससे संबंधित, अवतलन सिद्धांत से संबंधित, मर्रे के। समझ में आया नहीं। इन्होंने क्या दिया था, अवतलन सिद्धांत दिया था। अवतलन सिद्धांत किसके विरोध में दिया था, इन्होंने डार्विन के, है कि नहीं, डार्विन के विरोध में इन्होंने क्या अपना अवतलन सिद्धांत दिया था। समझ में आया नहीं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इन्होंने क्या किया था, डार्विन का विरोध किया था, उसी तरह से मर्रे का भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ। कैसे विरोध हुआ, लोगों ने बताया कि ये जो अवतलन और अपरदन और निक्षेपण की क्रिया इन्होंने समझाया है, यह क्या है, गलत है। कैसे कि अपरदन और जो निक्षेपण की क्रिया होती है वह साथ साथ होती है। आप ही समझिए, जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, क्या है, कोई स्थान है कि नहीं, तो कोई स्थान का मतलब जैसे बरसात हुआ, ताप हुआ, दाब, उसके बाद उस क्रिया के द्वारा क्या होता है, उसका अपक्षय और अपरदन होता है। और जब अपक्षय अपरदन होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और वहीं पर जमा हो जाता है, तो है कि नहीं, जो इकट्ठा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। जैसे मान लीजिए बरसात हो रही है और बरसात होने के बाद जो मिट्टी वहां से कटती है, किसी स्थान से क्या होती है, कट जाती है, कटती है ना, और कटने के बाद वह एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान जाती है और जहां अवरोध उत्पन्न होता है वहीं तुरंत वह क्या करती है, अपनी मिट्टी को जमा कर देती है। और जमा करने की वजह से क्या होता है, वह निक्षेपण की क्रिया हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अपरदन और निक्षेपण की क्रिया क्या होती है, साथ साथ होती है कि नहीं। ये तो पहला विरोध हुआ। दूसरा विरोध इन्हों लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि जैसे मान लीजिए सागर को भी इन्होंने क्या माना, स्थिर माना है, स्थल को भी क्या किया, इन्होंने स्थिर माना है, क्या किया है, स्थिर माना है कि नहीं। लेकिन आंतरिक शक्तियों के द्वारा, जैसे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़े होंगे, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होती है, जो प्लेटें होती हैं जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं,
इनमें हमेशा क्या होता है, संचलन होता रहता है या हमेशा ये चलायमान होते हैं, है कि नहीं। तो चलायमान होने की वजह से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब ये चलायमान होंगे तो इससे नयन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो इस आधार पर इनका लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा विरोध किया, समझ में आया नहीं, ठीक। तो ये सारी चीजें किससे हो गई, मर्रे के अवतलन सिद्धांत से संबंधित हो गई। तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, मर्रे का अवतलन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मूंगा जीवों से, ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्या पूछेगा कि मर्रे का जो अवतलन सिद्धांत है किससे है, मूंगा जीवों से है, ठीक। डार्विन का जो सिद्धांत पूछेगा वह किससे संबंधित है, वह मूंगा जीवों से ही है, किससे है, मूंगा जीवों से है। एक चीज अब ध्यान, ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये पूछेगा कि मर्रे ने अपने अवतलन सिद्धांत में क्या बताया, उन्होंने बताया कि सागर और स्थल को क्या है, किसको, या ऐसे पूछ सकता है कि मर्रे ने ये जो अवतलन सिद्धांत दिया है, समझाए ने क्या दिया है, अवतलन सिद्धांत किस आधार पर दिया है, ये बताएंगे कि इन्होंने सागर और स्थल दोनों को स्थिर मान करके ही अपने सिद्धांत को दिया, समझ में आएगा नहीं, ठीक। तो इसका जो सागर और स्थल का ये जो सिद्धांत है, तो इसमें क्या माना है, सागर और स्थल को क्या माना है, स्थिर माना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तीन चार क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार हो गया, ठीक। चलिए यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, लिखिएगा डार्विन के अवतलन सिद्धांत के विरोध में, क्या लिखेंगे, डार्विन के अवतलन सिद्धांत के, अवतलन सिद्धांत के विरोध में, अवतलन सिद्धांत के, अवतलन सिद्धांत के विरोध में क्या है, डार्विन के अवतलन सिद्धांत के विरोध में मर्रे ने क्या है, मर्रे ने कब दिया था, 1880 में स्थिर स्थल सिद्धांत बताया, क्या है, स्थिर स्थल सिद्धांत बताया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तो स्थिर स्थल सिद्धांत का मतलब हो गया दोनों को इसने क्या माना, स्थिर माना, ठीक। यहां से लिख सकते हैं स्थलखंड और सागरी जल स्थल और सागरीय जल स्तर को क्या किया था, स्थिर माना, क्या माना, स्थिर माना, ठीक, क्या माना था, स्थिर माना था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक, यहां से लिखिएगा, इन्होंने बताया कि, इन्होंने बताया कि यदि कोई स्थान, यदि कोई स्थान 30 फैदम की गहराई से क्या होगा, ऊंचा होगा, ऊंचा होगा तो उसका क्या होगा, अपरदन होगा, उसका अपरदन, अपरदन होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अपरदन होगा। और जब अपरदन होने के बाद 30 फैदम तक आ जाएगा
और उसके बाद वहीं से तुरंत मूंगा जीवों को क्या होगा, निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अपरदन होगा यदि यह स्थान तीस फैदम की गहराई तक आ जाता है तो ठीक ना, यहां से क्या लिखेंगे, मूंगा जीवों का निर्माण निर्माण होना शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है ठीक। अगला पॉइंट क्या है, ये तो हो गया क्या, यदि स्थान ऊंचा तो उस स्थिति में ये सारी चीजें होती हैं, समझ में आएगा नहीं। अगला बताया कि इन्होंने बताया कि यदि कोई स्थान क्या है, यदि कोई स्थान क्या है 30 फैदम की गहराई से क्या है नीचा है तो उस स्थिति में उस स्थिति में निक्षेपण होता है। क्या होता है, निक्षेपण होता है ठीक। और यह निक्षेपण तब तक चलता रहता है कि जब तक 30 फैदम की गहराई तक यह क्या है ना आ जाए। निक्षेपण तब तक चलता रहता है जब तक कि ऊंचाई 30 फैदम तक ना आ जाए तक ना आ जाए आ कहना आ जाए ठीक। और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद मूंगा जीवों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें किससे संबंधित है, इनके अवतलन सिद्धांत से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यहां तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन इसी के आधार पर क्या होता है, इनका जम करके विरोध होता है। क्या होता है, जम करके विरोध होता है। क्या विरोध में क्या होता है कि इन्होंने स्थल और सागर दोनों को क्या माना है, स्थल और सागर को स्थिर माना है, लेकिन नियमता क्या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर यह जो नियम यह क्या है गलत है ठीक। नियम जो है वह क्या है गलत, इस आधार पर इनका क्या होता है विरोध होता है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि पहले अपरदन होता है फिर निक्षेपण होता है ना, लेकिन यहाँ पर अपरदन और निक्षेपण की जो क्रिया होती है वह क्या होती है, दोनों एक साथ होती है, इस आधार पर इनका जम करके क्या हुआ विरोध हुआ। तो उसे भी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए आलोचना क्या लिख सकते हैं, आलोचना में लिखिएगा ठीक ना,
इन्होंने सागर सागर और स्थल दोनों को स्थिर माना, दोनों को स्थिर माना है ना, लेकिन प्लेट विवर्तन की क्रिया के द्वारा, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तन की क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा क्या है, क्रिया के द्वारा सागर और स्थल, सागर और स्थल क्या है, गतिमान है, क्या है, गतिमान है। पहला ध्यान दीजिएगा, ये पहला विरोध था। दूसरा विरोध क्या हुआ, ठीक ना, इन्होंने बताया कि ये अपरदन और निक्षेपण की जो क्रिया होती है वह क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, लिख सकते हैं यहां पर, इन्होंने बताया कि, इन्होंने बताया कि, ठीक, अपरदन अपरदन और निक्षेपण निक्षेपण की क्रिया, निक्षेपण की क्रिया क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, जबकि ध्यान दीजिएगा क्या है, जबकि यह क्रिया, यह दोनों लिखे, यह दोनों क्रिया क्या है, साथ साथ होती है, साथ साथ होती है। ठीक, यह हो गया क्या है, इनका आपका, ठीक ना, मरे का स्थल स्थिर सिद्धांत है, ते हो गया आपका क्या है, इनका विरोध में, इनके पक्ष में ये सारी चीजें हो गई कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो बस ये जो है आपकी है थॉट से संबंधित, ये हमारी दूसरी टॉपिक है, क्या है, दूसरी टॉपिक है। और दूसरी टॉपिक के बाद कल अगला हमारा जो टॉपिक होगा वह हिमानी स्थिर हिमालय सिद्धांत है, इसी से संबंधित है। तो कल इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, तो बस आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।